Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we'll be discussing Unit 4 of your outline that relates to fiscal policy. Fiscal policy, if we define a discretionary fiscal policy, the discretionary changes in government expenditure and or taxes in order to achieve certain national economic goal is the realm of fiscal policy. High employment, price stability, economic growth, improvement of international balance payments. Fiscal policy basically government ki wo policy hai jisme government decide karti hai ke paise earn kaise karne hai, revenue collection kaise hoga aur uske baad usko kharch kidhar karna hai aur iske jo major goals hote hain wo ye char hote hain. High employment के government जाएगी कि इस तरह revenue collect किया जाए और उसको expand किया जाए कि मुल्क के अंदर employment ज़्यादा हो सके या unemployment low हो सके, prices stable हों, economic growth हो और मुल्क का जो balance of payment जो आजकल सुना जाता है कि पाकिस्तान का fiscal deficit बहुत ज़्यादा है, तो balance of payment अगर favorable side पे होगा तो fiscal deficit reduce होगा या fiscal surplus होगा. तो फिस्कल पॉलिसी के बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो यही होते हैं कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सके, प्राइस स्टेबिलिटी हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को रिड्यूस किया जा सके या अनफेवरेबल साइड से फेवरेबल साइड पे मूव किया जा सके. फिस्कल पॉलिसी, आई रिपीट, ये वो पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि पैसे अर्न आएंगे कहाँ से और खर्च कैसे किए जाएंगे. नॉर्मली जो मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू होता है वो टैक्सेस होता है कि जितने भी मुल्क में लोग होते हैं उन पर टैक्स इम्पोज किया जाता है और वो जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है. उसके बाद गवर्नमेंट उनको इन ऑब्जेक्टिव्स को रखते हुए अपने विजन में फिर उसको स्पेंड करती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, सब्सिडीज दी जाती हैं इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर सब्सिडीज होती हैं, पेट्रोल की प्राइस में, मतलब जो भी बेसिक नेसेसिटी है उनमें सब्सिडी दी जाती है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक्सपेंडिचर होते हैं कि जो लोअर क्लास है उसको हेल्थ फैसिलिटी मिल सके, एजुकेशन सेक्टर को. इस तरह हर सेक्टर में गवर्नमेंट अपना एक प्लान बनाती है. नॉर्मली जो एक्सपेंडिचर का जो प्लान होता है उसको हम बजट कहते हैं, जो कि हर साल पाकिस्तान में नॉर्मली वो जून में प्रेजेंट होता है और वो एप्लीकेबल होता है फ्रॉम जुलाई टू नेक्स्ट जून. फिस्कल पॉलिसी को अगर फर्दर इसको एलबोरेट करें, द डिस्क्रिशनरी चेंजिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस टू अचीव नेशनल इकोनॉमिक गोल सच एज हाई एम्प्लॉयमेंट, जो मैंने आपसे बात की कि अब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट हर फिस्कल पॉलिसी में डिसाइड करती है कि जो एक्सपेंडिचर है उसमें चेंज क्या करना है, जो लास्ट ईयर में एक्सपेंडिचर की एलोकेशन थी उसमें चेंजेस क्या आएंगे और जो रेवेन्यू जनरेशन है जो कि मेजरली फ्रॉम टैक्सेस होता है फॉर एनी गवर्नमेंट, वो उसको कैसे पैटर्न चेंज करेंगे, टैक्सेस कहाँ कहाँ पे बढ़ाने हैं, कहाँ पे कम करने हैं, कहाँ पे टैक्स सब्सिडी रिबेट देने हैं, कहाँ पे जो है टैक्स में हायर रेट्स चार्ज करने हैं, ये गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव को देखते हुए कि हाई एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी. नॉर्मली क्या होता है, जो लग्जूरियस गुड्स होते हैं और आपके ऐसे गुड्स होते हैं जिसको गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है, जैसे सिगरेट हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, तो गवर्नमेंट इन पे जो है हायर टैक्स इम्पोज करती है, चेंजेस होते हैं उसमें, और सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, और जिन एरियाज में एनकरेजमेंट चाहिए होती है उधर टैक्स सब्सिडी या रिबेट दिया जाता है. फिस्कल पॉलिसी के जो मेजर एलिमेंट्स होंगे वो होंगे सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, के गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ से रेवेन्यू अर्न करना है. मैंने आपसे कहा गवर्नमेंट की जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो टैक्सेस होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ टैक्सेस ही मेजर रेवेन्यू हो. गवर्नमेंट की अपनी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनसे वो रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान एयरलाइन है, अगर वो कुछ अर्न कर रही है तो गवर्नमेंट की एंटिटी है, वो जो अर्न करेगा वो गवर्नमेंट को जाएगा. गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, गवर्नमेंट की और फीसिस हैं, जैसे जो गवर्नमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अगर कोई फी रेवेन्यू लेती हैं और उसकी वजह से कोई प्रॉफिट होता है वो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू है. गवर्नमेंट कुछ फीसिस लेती है, जैसे आपके एक्साइज के गाड़ियों पे आप टोकन पे करते हैं या गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होती है, तो वो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू है. तो इसी तरह गवर्नमेंट के रेवेन्यूज के सोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन मेजर सोर्स जो है ये जो नॉर्मली होते हैं इनकी अमाउंट बहुत लो होती है, तो जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ गवर्नमेंट है दैट विल ऑलवेज बी द टैक्सेज इम्पोज ऑन द इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री.
फिर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर डिफाइन होंगे, जो गवर्नमेंट का बजट होगा। बजट में नॉर्मली हेड्स एलोकेट किए जाते हैं कि इस साल कितना खर्चा करना है और किस किस हेड में करना है। हेल्थ सेक्टर में कितना करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना करना है, डेवलपमेंट बजट कितना है, आपका एजुकेशन पे कितना होना है। और इसी तरह गवर्नमेंट पूरा एक प्लान तैयार करती है, क्वांटिफाइड प्लान विच इज कॉल्ड द गवर्नमेंट बजट। और उसके बाद फिर बजट आउटकम भी वो प्री प्रिपेयर करती है। फिस्कल पॉलिसी का फायदा क्या होता है, द रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी इन लॉन्ग टर्म डिमांड मैनेजमेंट, द इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, फिस्कल पॉलिसी इन इम्पैक्ट ऑन पोटेंशियल ग्रोथ, एवेल्यूएशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ये सारी चीजें जो है ना फिस्कल पॉलिसी में देखी जाएगी कि शॉर्ट टर्म डिमांड को मैनेज करने के लिए फिस्कल पॉलिसी का रोल कैसे होगा। फर्ज करें कि किसी बेसिक नेसेसिटी की शॉर्टेज है तो उस पर फिस्कल पॉलिसी अपना रोल कैसे प्ले कर रही है। आपके जो इकोनॉमिक पैरामीटर हैं, जैसे इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें कैसे, या फॉरेन एक्सचेंज है, तो इसको कैसे स्टेबलाइज करेगी आपकी फिस्कल पॉलिसी। स्टेबलाइजर होनी चाहिए फिस्कल पॉलिसी एंड इंपैक्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रोथ, के ग्रोथ कैसे इंक्रीज होगी। अगर आप फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर में फिस्कल आपके बजट में बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए जाते हैं तो डेफिनेटली ग्रोथ रिड्यूस होगी। तो ऐसी फिस्कल पॉलिसी होनी चाहिए जो कि ओवरऑल इकोनॉमिक जो आपका आउटपुट है पूरा उसको इंपैक्ट करे नॉर्मली पॉजिटिव वे में। और फिर इसको एवेल्युएट किया जाता है कि पूरी फिस्कल पॉलिसी कैसी है। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि किसी भी जो गवर्नमेंट का मेजर रेवेन्यू है वो टैक्स होता है। टैक्स को अगर हम डेफिनेशन दें तो इसकी डेफिनेशन होगी अब मैंडेटरी पेमेंट और फी टू गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू फंड में इसके एक मिनट शायद आई थिंक सिस्टम में थोड़ा ब्रेकेज आया था, इसको मैं फॉन्ट थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ ताकि आपको इसकी पूरी डेफिनेशन नजर आ सके। जी जी ये मैंडेटरी पेमेंट होती है इन ऑर्डर टू फंड गुड्स एंड सर्विसेज टू पब्लिक। आप कोई भी चीज परचेज करते हैं या सर्विसेज आप परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, आपको उस पर टैक्सेस देना पड़ता है। जैसे कि दो मेजर टाइप ऑफ टैक्सेस होते हैं, एक को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, एक को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आपको डायरेक्टली पे करना पड़ता है, जो आप कमाते हैं जो उस पर टैक्स पड़ता है। अगर आप अर्न कर रहे हैं, आपकी इनकम से कोई टैक्स डिडक्ट हो रहा है, दैट इज डायरेक्ट सोर्स। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, कि आपने किसी और का टैक्स पे करना है। जैसे कि आप जाते हैं एक जूस की बोतल खरीदते हैं मार्केट से, तो उसकी जो प्राइस अगर आप देखेंगे तो अगर उसकी 20 या 30 रुपए प्राइस है तो उस पर 17% टैक्स इम्पोज हुआ होगा। इसका मतलब कोई भी प्रोडक्ट भी अगर आप खरीद रहे हैं तो भी आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। तो टैक्स एक मैंडेटरी पेमेंट है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि मैं टैक्स नहीं देता। तो इसका मतलब वो जो टैक्स है, जो मैंडेटरी पेमेंट है, दैट इज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी के बारे में मजीद अगर डिटेल में जाएं, इन एन एफर्ट टू प्रमोट द मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव प्राइस लेवल स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, पॉलिसी मेकर हैव अ वैरायटी ऑफ टूल एट देयर डिस्पोजल। वन सेट इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी। अगेन उन्हीं बातों को डिफरेंट वर्ड्स में पुट करें तो यही बात बनती है कि देखें बेसिकली फिस्कल पॉलिसी ऐसा होता कि गवर्नमेंट रेवेन्यू लेती है, लोगों से ही पैसे लेती है और फिर गवर्नमेंट लोगों पे ही खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के। इसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि मुल्क के अंदर जो है एक पर्टिकुलर क्लास सिर्फ खुश ना हो बल्कि सारी मुल्क के लिए खुशहाली है। और वो आ सकती है थ्रू दीज पैरामीटर्स, प्राइस लेवल स्टेबल होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, एम्प्लॉयमेंट लेवल, सबको नौकरियां मिलेगी, रादर देन कुछ एक चंक होगा जो बहुत ज्यादा कमा रहा होगा बाकी बेरोजगार होंगे। तो इन चीजों को सेटिस्फाई करने के लिए गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी सेट करती है।
changes in the level of government spending and taxation aimed at either increasing or decreasing the level of aggregate demand in the economy to promote macroeconomic objective. Fiscal policy is a type of demand side policy. An economy producing at full employment is not in need of any fiscal policy action. However, an economy in a recession could benefit from expansionary demand side policy that increase aggregate demand and therefore employment and output closer to the full employment. If aggregate demand is too high and has high inflation in economy, could benefit from a contractionary. अच्छा, अब उसने ये कहा कि अगर तो आपकी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है तो फिर तो आपको शायद फिस्कल पॉलिसी की जरूरत ही ना हो, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी का एम ही होता है इकोनॉमिक ग्रोथ हो, प्राइस स्टेबिलिटी हो, फुल एम्प्लॉयमेंट हो. अगर तो पॉलिसी फुल एम्प्लॉयमेंट है तो शायद फिस्कल पॉलिसी की जरूरत ही ना पड़ती. लेकिन नॉर्मली इकोनॉमी में या तो फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होती या फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट जो होता है वो इन्फ्लेशनरी हो जाता है. अगर तो आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो फिर आपकी जो फिस्कल पॉलिसी जो कि एम करेगी कि एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़े, डिमांड इंक्रीज हो, प्राइसेस आपकी जो है इंसेंटिव दें और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट बढ़े, तो इस तरह की अगर आपकी फिस्कल पॉलिसी है तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशनरी डिमांड साइड पॉलिसी. कि एक्सपेंशन हो रही है आपके मुल्क में, एक्सपेंशन जा रही है, प्रोडक्शन बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े और उसकी तरह डिमांड बढ़े, तो ताकि जो है आपकी एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाए. अगर इस तरह की फिस्कल पॉलिसी है तो इसको हम एक्सपेंशनरी बोलते हैं. अगर तो आपकी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पहले से हो चुकी है और अब जो है हालात इस तरह के हैं क्योंकि हर बंदे के पास नौकरी है तो प्राइसेस बढ़ती जा रही है, इतना इफेक्ट नहीं हो रहा. अगर तो प्राइसेस को गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो ऐसे केस में नॉर्मली गवर्नमेंट का ये टारगेट होगा कि एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो ताकि इन्फ्लेशन भी रिड्यूस हो सके. ऐसी पॉलिसी अगर होगी तो कॉन्ट्रेक्शनरी साइड पे होगी, लेकिन नॉर्मली एक्सपेंशन, क्योंकि नॉर्मली दुनिया में मोस्टली कंट्रीज की जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है वो है, एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए मेजरली जो इकोनॉमिस्ट पॉलिसीज बनाते हैं वो एक्सपेंशनरी इन नेचर होती है. अच्छा, फिर मैंने आपसे ये बात मैं पहले कर चुका हूँ कि जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का वो टैक्स होता है. फिस्कल पॉलिसी पुट्स द गवर्नमेंट्स बजट इनटू एक्शन टू स्टिमुलेट और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीगेट डिमांड एंड नीडेड. द बजट इज सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ रेवेन्यू अर्न फ्रॉम टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर मेड बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द नेशन. रेवेन्यू होता है जो गवर्नमेंट कमाती है और नॉर्मली वो टैक्सेस की फॉर्म में होता है, तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनका जो सम होता है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है. आपको मैंने कहा कि टैक्सेस दो तरह के होते हैं. एक टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली वो पे कर रहा है जिस पे टैक्स बनता है. फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जिसकी सैलरी 1,00,000 रुपए है, तो एम्प्लॉयर क्या करते हैं 1,00,000 रुपए में से 5,000 उसका टैक्स काट के गवर्नमेंट को दे देता है और 95,000 रुपीज उसको दे देता है. अब ये वो टैक्स है जो उसकी सैलरी पे बनता था, उसको पे करना था, गवर्नमेंट ने उसी को चार्ज किया और पे हो गया. या कोई बिजनेस है वो प्रोडक्ट सेल करता है, उस पर जो प्रॉफिट आता है प्रॉफिट पे जो टैक्स पे करना है वो भी डायरेक्ट पे. एक है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, कि अगर आप लोग एग्जांपल लीजिए, आप लोग स्टूडेंट्स हैं जिन पे टैक्सेस नहीं बनते, लेकिन आप जाके मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं और कोल्ड ड्रिंक की प्राइस में 17% जनरल सेल टैक्स होता है, जीएसटी होता है, जो आप लोग पे करते हैं, तो इसका मतलब आप पे टैक्स नहीं बनता लेकिन आपको फिर भी टैक्स देना पड़ता है उन लोगों की वजह से, क्योंकि ये जो बेसिकली टैक्स है ये कंपनीज में इम्पोज हुआ है. ये जो फॉर्म ऑफ टैक्स है जो कंजम्पशन पे आपको देना पड़ रहा है, इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं. कि अगर कोई डिफरेंट बंदा पे कर रहा है उससे जिस पे टैक्स इम्पोज हुआ हुआ है, तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे. डायरेक्ट टैक्सेस के केसेस में जिस बंदे पे टैक्स इम्पोज हुआ है वही टैक्स पे कर रहा है, तो उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे. अच्छा, अब एक्सपेंडिचर साइड पे आ जाते हैं. मैंने आपसे कहा फिस्कल पॉलिसी में दो मेजर एलिमेंट होंगे, कि गवर्नमेंट कमाती क्या है जो कि नॉर्मली टैक्सेस का रेवेन्यू होगा, तो वो टैक्सेस की फॉर्म में होगा. अब दूसरी साइड क्या है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्च कहां पे करना है गवर्नमेंट. व्हाइल अ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू कम फ्रॉम द टैक्सेस इट कलेक्ट्स, इट्स एक्सपेंडिचर डिपेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड टू द नेशन. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड. अब गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है वो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट हो गया. इकोनॉमी को जरूरत क्या है, अब इकोनॉमी की जो बेसिक जरूरत होती है वो
जी इकोनॉमिक जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है नॉर्मली इनको तीन मेजर कैटेगरी में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक आपका करंट एक्सपेंडिचर, दिस इज द डे टू डे रनिंग कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, द वेजेस एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूड इन लोकल स्टेट सच एज पुलिस टीचर रजिस्ट्रेशन। एक आपका करंट एक्सपेंडिचर जो कि रेगुलर एक्सपेंडिचर है कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी, गवर्नमेंट के अगर जजेस हैं जुडिशरी की सैलरी, गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं तो उनके टीचर्स की सैलरी, पुलिस की सैलरी, मिलिट्री को जो दे रहे हैं उसकी सैलरी। तो अगर तो गवर्नमेंट की जो डे टू डे एक्सपेंडिचर है जिसके बगैर वो चल ही नहीं सकती, अगर गवर्नमेंट में सारे एम्प्लॉयज को सैलरी ना दे तो गवर्नमेंट सर्वाइव ही नहीं कर सकती। इस तरह के जो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि आपके टैक्सेस से मीट करती है गवर्नमेंट, उसको हम करंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। दूसरी तरह के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। दीज आर इन्वेस्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट एंड कैपिटल इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज मनी स्पेंड ऑन रोड ब्रिज स्कूल हॉस्पिटल मिलिट्री इक्विपमेंट्स कोर्ट हाउसेस। अब गवर्नमेंट ने जो डेवलपमेंट वर्क किए हैं जैसे कि रोड्स बनाए हैं ब्रिजेस बनाए हैं स्कूल डेवलप किए हैं हॉस्पिटल बनाए हैं कोर्ट्स बनाई हैं, इसको जो बनाने की कॉस्ट है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये भी वही एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने मीट किए होंगे फ्रॉम द रेवेन्यू। तीसरी तरह की जो एक्सपेंडिचर हो सकते हैं वो ट्रांसफर पेमेंट्स हो सकती हैं। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू जीडीपी अनलाइक दोज अबव बिकॉज इनकम इज ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ पीपल टू अनदर इंक्लूड वेलफेयर एंड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट सब्सिडीज टू प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स मनी इज ट्रांसफर बाय द गवर्नमेंट ऑफ वन ग्रुप टू अनदर विदाउट गोइंग टूवर्ड्स द प्रोविजन ऑफ एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज। इसका क्या मतलब हुआ कि तीसरी होती है ट्रांसफर पेमेंट कि हो सकता है कि एक चीज है जो रनिंग कॉस्ट भी नहीं है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं है लेकिन उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कुछ फार्मर्स हैं और उनकी ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट कोई सब्सिडी अनाउंस करती है जो कि एक्चुअली रनिंग एक्सपेंडिचर नहीं है लेकिन सब्सिडी अनाउंस कर दी गई है, या अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं कि जो भी बेरोजगार है उसके लिए गवर्नमेंट कोई वजीफा अनाउंस करती है, तो उस केस में भी इस तरह के जो एक्सपेंडिचर है उनको ट्रांसफर पेमेंट्स की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। ये बेसिकली तीन मेजर सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो गवर्नमेंट करती हैं। इसको फर्दर आप हेड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं लेकिन मेजर जो हेड है वो तीन ही होते हैं, करंट एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर और ट्रांसफर पेमेंट्स। द गवर्नमेंट बजट सरप्लस एंड डेफिसिट। अब सरप्लस किसी भी चीज को कहते हैं कि अगर आपके खर्चे अगर आपकी इनकम खर्चों से ज्यादा है तो उसको हम सरप्लस बोलते हैं, अगर आपका एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा है तो उसको हम डेफिसिट बोलते हैं। तो अगर एक साल के दरमियान आपके खर्चे जो है आपके टैक्सेस गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो टैक्सेस से ज्यादा हो जाते हैं तो इसको हम जो खर्चे हैं वो टैक्सेस से ज्यादा हो जाते हैं उसको हम डेफिसिट बोलते हैं। अगर आपकी इनकम ज्यादा है खर्चे कम है तो उसको हम सरप्लस बोलते हैं कि पैसे कुछ बच रहे हैं, सरप्लस इन नेचर है। नॉर्मली फिस्कल बजट्स अक्सर डेफिसिट में होते हैं और वो जो डेफिसिट होता है वो लोन से मीट किया जाता है, जो कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कितना कर्ज है वो इसी वजह से है कि खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है। तो अगर इनकी इसी बेसिस पे हम कैटेगराइज करें बजट की टाइप को तो तीन तरह की टाइप मेजर मिलती है हमें। अब बैलेंस बजट, बैलेंस बजट वो होता है जिसमें जो आपका इनकम है और एक्सपेंडिचर है वो बराबर हो जाए, जो गवर्नमेंट ने कमाया और जो रेवेन्यू कलेक्ट किया और जो उसने खर्च किया वो बराबर हो गया तो उसको बैलेंस बजट बोलते हैं। दूसरा बजट होता है सरप्लस बजट कि गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। इफ इन अ ईयर गवर्नमेंट कलेक्ट्स मोर टैक्सेस देन इट स्पेंड द बजट इज इन सरप्लस। तीसरे टाइप का बजट जो हमारे पाकिस्तान में तो बहुत कॉमन है कि गवर्नमेंट कमाती कम है टैक्सेस कलेक्शन कम है लेकिन खर्चे ज्यादा हैं, ऐसे केस में जो बजट होता है इट इज अ डेफिसिट बजट। ठीक है, और नेशनल डेट मुल्क का जो कर्जा होता है जो हम मुल्क का कर्जा बोलते हैं, सारे सालों का डेफिसिट अगर हम प्लस कर दें कि जो भी कर्जा हर साल लिया उसको प्लस कर दें तो नॉर्मली वो आपके मुल्क का इज्तिमाई कर्जा होता है जिसको हम नेशनल डेट बोलते हैं।
role of fiscal policy, the size, a size of government sector relative to the nation's economy varies greatly from country to country. Definitely कि government की जो revenue expenditure का size है और fiscal policy का जो scope है ये country to country vary करेगा. उनका जो requirements है उसकी base पे fiscal policy device होगी. Government spending as a proportion of total aggregate demand study the chart to right. Notice that the government spending is the largest component of GDP for the countries on the left and smaller component of GDP for the country on the right. In a country where government spending is a larger component, the impact of fiscal policy can be greater and where it is smaller. ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो right side पे जो spendings हैं, ये देखें जो consumption है वो blue line से depict हुई हुई है, investment red से और government spending yellow से. जो लेफ्ट साइड पे कंट्रीज हैं नॉर्मली इनकी स्पेंडिंग ज्यादा हैं और इन्वेस्टमेंट्स कम हैं, जबकि राइट साइड पे जो कंट्रीज हैं उनकी स्पेंडिंग्स कम है और इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा है. तो जिस जगह जिन कंट्रीज में स्पेंडिंग पैटर्न ज्यादा होता है उधर फिस्कल पॉलिसी की जो यूटिलिटी है वो हमेशा ज्यादा होती है और ये कंट्री टू कंट्री वेरी करेगी. बाकी टैक्सेशन की अगर जनरल कैटेगरी मैंने आपको बता चुका हूं कि डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, टैक्स डिडक्शन भी मिलती है. अगर कोई सोशल वर्क हो रहा है तो नॉर्मली उसकी टैक्स डिडक्शन मिल जाती है कि आप जो टैक्स उन पे बनता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उनको कम कर दिया जाता है. ये बेसिकली डिस्करेज और एनकरेज करने के लिए होता है कि जितना टैक्स ज्यादा होगा अवाम वो वाले काम कम करेगी. जैसे कि अगर फर्ज करें कि सिगरेट पे टैक्स 200% लग जाए तो उम्मीद की जाती है कि सिगरेट पे जो कंजम्पशन है वो रिड्यूस होगी, इसलिए गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है. इसी तरह अगर किसी चीज पर टैक्स कम कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स बढ़ा दिया जाए और सोलर पैनल पे टैक्सेस कम कर दिए जाए, तो गवर्नमेंट आपके लोग एंटाइस होंगे कि सोलर पैनल का यूजेज ज्यादा हो और इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज कम हो. इसलिए गवर्नमेंट ने जिन चीजों को एनकरेज करना होता है उनके ऊपर टैक्सेस रिड्यूस कर दिए जाते हैं, रिवॉर्डिंग बिहेवियर बनाया जाता है, और जिन चीजों को डिस्करेज करना जाता है चाह रहे होते हैं उनके पे टैक्सेस इंक्रीज कर दिए जाते हैं. आखिरी बात यह है कि अगर हम टैक्सेशन सिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किस तरह लिवाए हुआ हुआ है इस कैटेगरी में डिवाइड करें तो तीन तरह के टैक्सेशन सिस्टम होते हैं. एक को बोलते हैं प्रोपोर्शनल, एक को बोलते हैं प्रोग्रेसिव, एक को बोलते हैं रिग्रेसिव. प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम होता है, ये होता है कि हर बंदा इक्वल टैक्स पे करे. जो बंदा एक लाख रुपए इक्वल टैक्स का मतलब ये नहीं कि अमाउंट में इक्वल हो, इक्वल का मतलब ये है कि परसेंटेज में इक्वल हो. जैसे कि सेल टैक्स की एग्जाम्पल है पाकिस्तान में, चाहे बंदा एक करोड़ कमा रहा है महीने का, चाहे बंदा एक करोड़ कमा रहा है महीने का या वो एक लाख कमा रहा है, उस पर जो टैक्स है सेल टैक्स का वो 17% है. इसी अब जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है ये ज्यादा इक्विटेबल है. जो नीचे सेकंड हमारी टाइप है वो ये है कि जो बंदा ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स पे करे, जो बंदा कम कमा रहा है वो कम टैक्स पे करे. फॉर एग्जाम्पल इसकी वजह ये है कि देखें जो ज्यादा कमाता है ना उसके ऊपर टैक्स पे करने का बर्डन इतना ज्यादा. जो बंदा एक करोड़ कमा रहा है अगर वो 50 लाख भी टैक्स दे दे तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी लाइफ स्टाइल में ज्यादा फर्क आएगा. लेकिन जो बंदा दिन का 100 रुपए कमा रहा है अगर वो 50 रुपए टैक्स देगा तो उसके लिए तो शायद बेसिक नेसेसिटी मीट करने के लिए इश्यूज हो. इसीलिए ये जो टैक्सेस होता है इसके केसेस में हमारी इनकम टैक्स की बात है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स है वो 4 लाख या 6 लाख तक एग्जेम्प्ट है. मतलब कि जो 6 लाख तक कमाता है उस पर इनकम टैक्स कोई भी नहीं है, और जिस जिस तरह सैलरी बढ़ती है उसका टैक्स का रेट भी बढ़ता जाता है. तो ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है. रिग्रेसिव टैक्सेशन भी होता है, ये पाकिस्तान में आपको नजर भी नहीं आएगा और दुनिया में ये कॉमन नहीं है. रिग्रेसिव का मतलब ये जो ज्यादा कमा रहा है वो कम टैक्स दे और जो कम कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स दे. ये नॉर्मली दुनिया में नहीं होता, लेकिन ये वहां पे होता है जहां पे ब्लैक मनी ज्यादा होती है या लोगों को इंसेंटिव दिया जा रहा होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करें. पाकिस्तान में ये इसकी थोड़ी बहुत जो एग्जाम्पल नजर आती है वो आपको अभी एमनेस्टी के केस में नजर आती है कि जिसके पास करोड़ों की अनडिस्क्लोज वो वेल्थ है वो 3% एमनेस्टी पे दे के अपने ब्लैक मनी को वाइट करा सकता है. तो ये रिग्रेसिव टैक्सेशन है कि जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो कम टैक्स दे और जिसके पास कम इनकम है वो ज्यादा टैक्स दे. बेसिकली दिस वॉज द डिस्कशन ऑफ आवर चैप्टर. बेसिकली
इसके बाद एक दो चीजें हैं, जैसे कि आपको डेफिसिट और डेट का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डेफिसिट तब अकर करता है जब आपकी स्पेंडिंग ज्यादा हो जाए और इनकम कम हो जाए। साइज ऑफ डेट बेसिकली जाहिरी बात है कि जिस जिस तरह आपका हर साल का जो डेफिसिट है उसको आप ऐड कर ले तो आपका साइज ऑफ डेट बढ़ेगा। डेट का जो रेशियो अगर आप जीडीपी के साथ ले लेना तो उसको परसेंटेज में आप पुट कर सकते हैं कि पूरे पूरा डेट कितना है और जीडीपी आपका कितना है, उसका अगर आप रेशियो ले लें डिवाइड कर दें तो आप परसेंटेज में पुट कर सकते हैं। ये कुछ कंट्रीज की फिगर है। गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस एंड एग्रीगेट डिमांड। गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी विद एग्रीगेट डिमांड साइड पॉलिसीज अफेक्टिंग टैक्सेस। जैसे मैंने आपसे कहा कि गवर्नमेंट ने जिस चीज को एनकरेज करना होगा उस पर टैक्सेस कम कर देंगे, डिमांड उस पर अफेक्ट हो जाएगी, या जिस चीज को डिस्करेज करना होगा उस पर टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे, उसकी डिमांड भी इफेक्ट हो जाएगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग का पैटर्न होगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो लोग बैंक्स में पैसे रखवाना ज्यादा पसंद करेंगे कि अपनी सेविंग्स को। अगर इंटरेस्ट रेट लोअर हो जाए तो ये गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी इन सारे पैटर्न्स को इफेक्ट कर रही होती है कि गवर्नमेंट का उस पर टारगेट क्या है। जिस तरह आजकल पाकिस्तान में आई एम टॉकिंग इन 2019 में पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट काफ़ी हायर साइड में, तो लोग अपने पैसे इन्वेस्टमेंट से निकाल के बैंक्स में रखवा रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट का शायद ऑब्जेक्टिव है इस वक्त। सप्लायर साइड की बात करें तो गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी विद एग्रीगेट सप्लायर साइड पॉलिसी, इनपुट लेबर एंड वेज, रिड्यूसिंग रेगुलेशन, इंक्रीज इन इंसेंटिव टू वर्क, टेक रिस्क, द एक्शन आर पॉसिबल। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरह की है कि वो कहते हैं कि वेजर लेबर और के वेजेस इंक्रीज होने चाहिए, उस पर इंसेंटिव दे रहे हैं कि जिनकी सैलरीज पे इंसेंटिव दे रहे होंगे एम्प्लॉयर को कि जो वो पे कर रहा है उस पर रिडक्शन ज़्यादा हो जाए, या रेगुलेशन इंडस्ट्री के लिए कम हो जाए जो कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हैं उनके ऊपर रेगुलेशन कम करते हैं गवर्नमेंट, या रिस्क को किसी भी तरह गवर्नमेंट इनकरेज करी हो, तो इस तरह की जो फिस्कल पॉलिसी है इसको हम एग्रीगेट सप्लायर साइड पॉलिसीज बोलते हैं। सो दिस इज इट फॉर यूनिट 4 ऑफ योर आउटलाइन। आई होप दिस वॉज क्वाइट क्लियर। कोई इशू हो तो इंशाल्लाह वील हैव अ क्लास फॉर्म अ क्लास फेस टू फेस ऑनलाइन डिस्कशन, और उसके बाद हमारी वर्कशॉप भी होंगे, सो यू कैन आस्क मी इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर टू यू। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।